हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग एंड इट्स योर साइंस वर्कशीट। ये आपकी क्या है? साइंस वर्कशीट है फ्रॉम द क्लास सेवन्थ क्लास की। जो है आपकी क्या है, ये साइंस की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है बेटा वो क्या है, 3rd। ठीक है, और हमारी डेट क्या है, वो है 20 जुलाई 2021। ठीक है, तो हम अपनी क्या है वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप क्या करते हैं, आप अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारा देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल प्लीज़ जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको कैसे करना है, अपना सब्जेक्ट लिखिए, साइंस क्लास लिखिए, वर्कशीट नंबर लिखो, डेट डालो, नेम लिखो और अपना जो है क्लास टीचर का नाम भी आपको जो है वर्कशीट में लिखना होता है। तो आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, तो हम समझते हैं क्या है कि वी सी मैनी इवेंट्स इन आवर डेली लाइफ वेयर शेप साइज एंड कलर एक्सेट्रा ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गेट चेंज। कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि किसी का शेप चेंज होता है, तब ठीक है, किसी का साइज चेंज होता है, किसी का जो है कलर जो है चेंज होता है। द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, वो चेंज जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस आपका नहीं बनता उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। और द चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस न्यू थिंग इज ऑलवेज फॉर्म्ड इज नोन एज केमिकल चेंज। ठीक है, वो चेंज जिसमें कुछ ना कुछ क्या है नई चीज़ें हमेशा क्या है बनती रहती हैं उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज, और जिसमें कोई भी न्यू थिंग आपकी नहीं बनती है वो क्या होता है आपका फिजिकल चेंज। अब हमको बताना है कि ब्रेकिंग ऑफ पेंसिल ये क्या है आपका फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि जो है आपकी जो आपकी पेंसिल जो ब्रेक हुई है इससे कोई न्यू थिंग नहीं बन रही है। ठीक है, तो ये आपकी पेंसिल है, ये भी आपकी पेंसिल है, सिर्फ आपने इसको दो टुकड़ों में तोड़ा है। ग्रोथ ऑफ अ प्लांट आपका केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि जो आपकी ग्रोथ हो रही है प्लांट की, कभी भी जिसकी भी ग्रोथ होती है प्लांट की, उसके अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म चलते रहते हैं, फोटोसिंथेसिस चलती है। और फोटोसिंथेसिस क्या है, ये फिनोमिना है जिसमें क्या है प्लांट जो है अपना जो है फूड जो है प्रिपेयर करता है, जिससे क्या है उसकी ग्रोथ होने में भी क्या है हेल्प मिलती है, इसलिए ही ये क्या है केमिकल चेंज इसको मानते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि आप जब इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो जो ये आइस होगी वो मेल्ट हो जाएंगी एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू वाटर। ठीक है, और जो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर ऑटोमेटिकली जब आप उसको फ्रीजर में रखेंगे तो वो क्या है उससे आइस बन जाएगी, जिसमें कोई नया सब्सटेंस आपका क्रिएट या फॉर्म नहीं हो रहा, इसलिए ये फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ अ पेपर, बर्निंग ऑफ अ पेपर इज अ केमिकल चेंज बिकॉज देयर इज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, दैट इज नेम इज ऐश। ठीक है, जब आप इसको जलाएंगे तो उससे क्या एक नया सब्सटेंस बनेगा ऐश। इसको आप अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी करें अपने पेरेंट्स के साथ करें। ठीक है, वो क्या आप क्या कागज़ जलाओगे तो एक क्या है काली काली आपको राख मिलेगी। अगर आप चाहो कि मैं इससे फिर से पेपर बना लूँ, क्या आप बना सकते हो? नहीं ना, इसलिए इसमें क्या है नया सब्सटेंसेस बनता है, ये इरिवर्सिबल चेंज भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या है केमिकल चेंज। और सेटिंग ऑफ अ कर्ड भी क्या है हमारी केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि इसमें जो है मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड एंड यू डोंट चेंज इनटू कर्ड इनटू मिल्क। क्या आप क्या है आप चाहें कि मैं को तो भाई कर्ड से मुझे मिल्क बनाना है, क्या आप बना सकते हो, कि रिवर्सिबल कर सकते हो क्या? नहीं ना, तो इसलिए भी क्या है केमिकल चेंज। क्यों? इसमें क्या है कि मिल्क से हमें क्या न्यू सब्सटेंस जो है न्यू थिंग मिली है, वो क्या है कर्ड। रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है एक जो है ये केमिकल चेंज है, धीरे धीरे होता है, जो आपका जिसको आप हिंदी में जंग लगना भी बोलते हो। ठीक है, ये भी क्या है आपका केमिकल चेंज है। तो आपको ये सारे यहाँ पे भरने हैं। ब्रेकिंग बता रखा है कि ब्रेकिंग ऑफ अ पेंसिल इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, और इसमें क्या आएगा आपका मेल्टिंग ऑफ आइस आ जाएगा आपका। मैं आपको ऊपर ही बता देती हूँ, आप फिर इसको टेबल में भर लेना। ठीक है, ये आपका बता ही रखा है कि ये फिजिकल चेंज है, चेंज मैं नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, फिजिकल है, ये आपका केमिकल है, चेंज आप लिख लेना। ये क्या है आपका फिजिकल चेंज है जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। ये आप बर्निंग ऑफ पेपर आपका क्या है केमिकल है, इसमें न्यू सब्सटेंस बनता है, केमिकल चेंज है। ये भी क्या है आपका केमिकल है, और ये भी क्या है आपका केमिकल चेंज है। ठीक है, इसको आप प्लीज़ अपनी टेबल में फिल कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समटाइम्स फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, गिव टू एग्जांपल। कि कभी कभी ऐसा होता है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों ही एक साथ होते हैं, तो उसका एग्जांपल क्या है? सबसे पहले तो बर्निंग ऑफ कैंडल। ठीक है, जब भी आप कैंडल जलाते हो, ठीक है, तो वो क्या करती है, ये आपकी कैंडल होती ठीक है, तो ये क्या है आपकी, ये आपकी कैंडल होती है, ये इसकी वैक्स होती है, या
ठीक है, यहाँ बनाते थे हम, ये आपकी कैंडल है ठीक है, इसकी लो को हिंदी में लो बोलते हैं ठीक है, जब ये जलती है तो यहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक कुछ जो उसकी लो होती है, क्या वो जलती है लेकिन वो वापस नहीं आती ठीक है, उसमें से बहुत सारे कार्बन्स भी निकलते हैं। और ये आपकी जो वैक्स होती है, यहाँ पे आपकी फिज़िकल चेंज होता है ठीक है, क्योंकि वैक्स गिरती है, इसको आप दोबारा से इसको मोमबत्ती बना सकते हैं, तो यहाँ पे आपकी फ़िज़िकल चेंज हो रहा है और यहाँ पे ये जो है केमिकल चेंज हो रहा है ठीक है। दूसरा आपका एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ अ कैंडल, वो सॉरी बर्निंग ऑफ वुड ठीक है, ये बर्निंग ऑफ वुड भी किया है आपका, दोनों यहाँ पे दोनों हो रही, जब वुड आपकी जलती है तो उसमें से जो मॉइस्चर होता है वो क्या है कन्वर्टेड हो जाता है इनटू वाटर वेपर ठीक है, और आपको पता है वाटर वेपर क्या होता है, वाटर ही होता है, और इसमें वहाँ पे तो इसका हो रहा है फिज़िकल चेंज, और ये जो जब हम इसको जलाते हैं तो उसमें से कार्बन भी निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, तो वहाँ पे उसका होता है केमिकल चेंज ठीक है। तो दो एग्जाम्पल बताया हमने, बर्निंग ऑफ अ कैंडल और बर्निंग ऑफ अ कैंडल और बर्निंग ऑफ अ वुड, ये आप इसके दो एग्जाम्पल, और मैंने आपको समझा भी दिए हैं क्यों ठीक है। और हमें ये याद रखना है कि वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड अ वाटर रेगुलरली, क्योंकि आपको पता है कोविड है तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो आई होप यू लाइक इट, सो प्लीज़ हमारा चैनल जो है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में आकर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगे तो हमारा वीडियो भी प्लीज़ ज़रूर जो है लाइक कीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, बाय बच्चों।